समझा? ठीक हुआ जी। तो आपका ऑपरेशन हो गया है और हमने इनका सिरामिक हिप रिप्लेसमेंट किया है, क्योंकि इनको पहले इन्फेक्शन की और स्क्रू लूजनिंग की हिस्ट्री थी, तो हमने एक स्पेशल एंटीबायोटिक बीड्स डाली है इनमें, जो इन्फेक्शन को और कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। ये स्पेशल इसलिए हैं कि ये कैल्शियम भी छोड़ती हैं और ये अंदर गल जाती हैं, इन बीड्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम देखते हैं एक्सरे में इनके क्या प्रॉब्लम थी। तो ये साइड का जो आप हेड देख रहे हैं, ये साइड का नॉर्मल हेड है, हमारी सारी प्लानिंग इस पे करी जाती है, हेड डायमीटर कितना जाएगा कप का, फीमर का साइज कितना जाएगा, कट कितना लेंगे हम, ऑफसेट कितने रखेंगे। तो यही वाले हम सारे ऑफसेट जो हैं इस वाले हिप पे रिक्रिएट करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पुराने स्क्रू के इनके होल मार्क्स हैं और पूरा हेड डिफॉर्म हो गया है, मतलब हेड का सिर्फ एक चौथाई भाग निकला, 1/4 पार्ट निकला, बाहर निकला भी नहीं, जिसकी हम बायोप्सी में भेजेंगे कि कोई इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस का शंका ना हो।